40 ओवर का मैच चल रहा है। सुमित बिश्नोई, सुमित तेजस्वी और प्रकाश, चालीस शॉट के मैच के लिए एक घंटा दिया जाता है। अभी राजस्थान के अंदर स्टेट चैंपियनशिप जुलाई में होने की संभावना है। सबसे पहले खिलाड़ी को स्टेट चैंपियनशिप खेलनी होती है, फिर उसके बाद नॉर्थ जोन और जीवी मावलंकर टूर्नामेंट NRI द्वारा आयोजित किया जाता है। पिस्टल शूटिंग के अंदर अलग अलग एज कैटेगरियां होती है। 10 से 16 साल के बच्चों के लिए सब यूथ कैटेगरी, 16 से 19 यूथ कैटेगरी, 19 से 21 जूनियर, 21 प्लस सीनियर। हर कैटेगरी का अलग अलग क्वालिफाई स्कोर होता है। स्टेट चैंपियनशिप को क्वालिफाई करने के लिए सब यूथ कैटेगरी में 315 आउट ऑफ 400 और गर्ल्स का 305। फिर उसके बाद यूथ कैटेगरी में बॉयज़ का स्कोर 325 है जूनियर कैटेगरी में 330 है सीनियर कैटेगरी में 345 स्कोर है। ये सभी मैच 400 अंक के होते हैं। फिर उसके बाद सभी को दो मौके मिलते हैं, नॉर्थ जोन और जीवी मावलंकर को प्री नेशनल भी बोला जाता है। उसके अंदर सब यूथ कैटेगरी को क्वालिफाई के लिए 345 स्कोर अर्जित करना होता है। यूथ कैटेगरी को 355, जूनियर को 360, सीनियर को 367। अगर नॉर्थ जोन और मावलंकर में से किसी भी टूर्नामेंट में ये स्कोर लग जाता है तो उसकी नेशनल में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर नेशनल चैंपियनशिप 60 शॉट का मैच होता है। उसके अंदर ये सब कैटेगरियां रहती है, सब यूथ, यूथ, जूनियर, सीनियर। सीनियर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई स्कोर 550 होता है, जूनियर के लिए 540, यूथ के लिए 530 और सब यूथ के लिए 520। इंडिया टीम के ट्रायल के लिए सब यूथ और यूथ का स्कोर 555 है, जूनियर का 560, सीनियर का 565। सीनियर कैटेगरी के स्कोर के अंदर अभी थोड़ा मैं क्लियर नहीं हूँ, शायद हो सकता है 560 या 565। जो इंडिया टीम के ट्रायल के स्कोर अर्जित कर लेते हैं
को भारतीय टीम के ट्रायल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर वो एवरेज के आधार पे टॉप स्टूडेंट इंडिया टीम में रहता है। इनके अलावा अभी नेशनल राइफल एसोसिएशन ने मास्टर कैटेगरी, सीनियर मास्टर कैटेगरी भी बनाई है। मास्टर कैटेगरी के अंदर 45 प्लस वाले खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। सीनियर मास्टर कैटेगरी में 60 प्लस वाले। आज तक राजस्थान स्टेट पहला सा स्टेट है जो नेशनल में मेडल लाने पर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब देता है। नेशनल में मेडल लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर सभी इंटरनेशनल, ओलंपियन, वर्ल्ड कप होल्डर, मेडलिस्ट, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, सारे स्टूडेंट वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। शूटिंग के अंदर, नेशनल के अंदर दो तरह की एंट्री होती है, एक सिविलियन और एक नेशनल चैंपियनशिप। इन दोनों में इंडिविजुअल मेडल, टीम मेडल, मिक्स मेडल ऑफर होते हैं। मिक्स मेडल के अंदर एक लड़का और एक लड़की द्वारा 40-40 शॉट का मैच खेला जाता है। टीम मेडल के लिए हर स्टेट अपनी एक टीम बना के भेजता है 3 जनों की रैंकिंग के आधार पर। उन तीनों का जो इंडिविजुअल स्कोर होता है वो काउंट होता है और वो टोटल स्कोर जिसका सबसे अधिक होता है वो गोल्ड पे, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। हमारे इंडिया का नेशनल लगभग एक ओलंपिक के लेवल का है। अभी ये तो तीनों स्टूडेंट खेल रहे हैं, ये तीनों नेशनल प्लेयर हैं जिनमें आकाश बिश्नोई इंडिया टीम के ट्रायल दे रहा है। इसके अलावा केवी नेशनल भी खेला हुआ है। SGFI के ट्रायल का अलग तरीका है, ये एक स्कूल टूर्नामेंट और आयोजित होती है। सबसे पहले सारे स्कूलों की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, उसके बाद स्टेट होता है, उसके बाद SGFI द्वारा नेशनल आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कॉलेज से भी शूटिंग का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले इंटर कॉलेज होता है, फिर इंटर यूनिवर्सिटी होता है, फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी आयोजित किया जाता है। टेन मीटर एयर पिस्टल एक ओलंपिक खेल है। इस खेल में आप एक अच्छा करके हर तरीके से अपना नाम का हर चीज़ कमा सकते हैं।
जैसा कि अभी ओम प्रकाश मित्रवाल जो कई वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, मेडलिस्ट भी हैं, वो पहले आर्मी में सूबेदार थे, उनको अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने DYSP पद से नवाजा है। उसके अलावा ओलंपियन दिव्यांश सिंह पंवार जो वन विभाग में DFO के पद पर लगे हैं, महेंद्र सिंह, आवेश सिंह शेखावत, ये तीनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसके अलावा और मेरे मित्र ओम प्रकाश चौधरी जिनको सब इंस्पेक्टर के पद पे लगाया है।